हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आज हम एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जिसमें लाइट आते ही बल्ब बंद हो जाएगा, लाइट के जाने के बाद बल्ब तुरंत ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। जैसे कि प्लग हटाते ही लाइट चालू हो जाती है, प्लग लगाते ही लाइट बंद हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पुराने बल्ब की बॉडी ले लेंगे, कोई भी बल्ब हो, या तो 9 वाट की LED बल्ब आती है उसका भी बॉडी हम यूज कर सकते हैं, बस उसमें बैटरी और सर्किट आ जाना चाहिए। तो इसके बाद में एक हम रिले लेंगे जो कि हमारा ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने में मदद करेगा। इसके बाद में अब हमें एक पुराने चार्जर की सर्किट बोर्ड चाहिए जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करने के काम आएगा। तो ये रहे AC के कनेक्शन दोनों, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे DC के कनेक्शन ये हैं, तो DC के कनेक्शन देख लेते हैं कि किस कहाँ प्लस है। इस साइड वाला है माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस है। इसमें हम माइनस और प्लस का कनेक्शन जोड़ेंगे जिससे हमारी बैटरी, और हमें एक 1N4007 का डायोड चाहिए। इसके बाद में अब हमें एक रजिस्टर चाहिए जो कि हमारी LED को जलने से बचाएगा, 2.2 ओम रजिस्टर। इसके बाद हम एक बैटरी ले लेंगे 3.7 की, कोई भी आप बैटरी भी यूज कर सकते हैं, केवल 5 वोल्ट तक बैटरी यूज। अब हम एक BMS ले लेंगे जो पुरानी बैटरी से मैंने निकाला है, मोबाइल की पुरानी बैटरी से मैंने निकाला है, जिसमें अगर हम डायरेक्ट 18650 बैटरी लगा देंगे तो वो जल जाएगी, इसलिए हम उसकी सेफ्टी के लिए हमें ये यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ वायर चाहिए यानी तार। इसके बाद हमें एक 4 वोल्ट की LED बल्ब मैं ले रहा हूँ, आप कोई भी LED बल्ब ले सकते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि ये बल्ब कैसे बनता है, इसमें सर्किट कहाँ कौन सा कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम BMS में बैटरी का आउटपुट पॉजिटिव पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद में अब हम माइनस में P- लिखा हुआ नीचे P- उसी साइड हम लिख माइनस नेगेटिव वाला कनेक्शन करेंगे, तो नेगेटिव वाले को हम सोल्डर कर लेते हैं। इसके बाद अब हम अपनी बैटरी को कनेक्शन करेंगे, माइनस वाला मैंने कनेक्ट कर लिया है पहले से ही। इसके बाद में हम पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव बैटरी इसमें लिखा हुआ था B+, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव वाला कनेक्शन जोड़ देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। अब हम बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन BMS के पॉजिटिव पॉइंट पर जोड़ देंगे जिससे हमारी बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी, हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। अब हमारी बैटरी विथ BMS के कंप्लीट है, दोनों कनेक्शन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अब हम एक रिले लेंगे, रिले में डायोड जोड़ेंगे। जो डायोड का ब्लैक वाला सिरा है वो होता है पॉजिटिव और सिल्वर वाला होता है नेगेटिव, ठीक है। उसको हम अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। इसके रिले की कॉइल नंबर 2 और कॉमन पिन को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे, तार की मदद से हम दोनों को कनेक्शन एक साथ कर देंगे। कॉइल नंबर 2 और कॉमन वाली पिन को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब ये हमारा तैयार है रिले, अब हमारा काम करने के लिए तैयार है। अब इसमें कुछ और कनेक्शन है जो कि अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बैटरी का पॉजिटिव वाला सिरा डायोड के नेगेटिव वाले पॉइंट पे कर देंगे, जो सिल्वर की तरफ है, जो सिल्वर की साइड में कर देंगे, जिससे कि हमारा बैटरी का करंट वापस रिले में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने माइनस वाला कनेक्शन रिले की कॉमन पिन और कॉइल नंबर 2 वाली पिन पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम चार्जर की सर्किट ले लेते हैं जिसमें हम माइनस और पॉजिटिव का दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं। माइनस वाले हमने एक हरा वाला तार लिया है और पॉजिटिव के लिए एक हमने पीला वाला तार लिया है, ठीक है। अब हम इन दोनों का कनेक्शन कुछ इस प्रकार करेंगे, माइनस वाला सबसे पहले प्लस वाला कनेक्शन डायोड के माइनस वाले पॉइंट पर कर देंगे, यानी कि कॉइल नंबर 1 पे, रिले की कॉइल नंबर 1 पे कर देंगे, और रिले की कॉइल नंबर 2 और कॉमन वाली पे हम माइनस वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे।
जिससे हमारी यह बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम DOB बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं, जिसमें हम येलो वाला तार नेगेटिव है, येलो वाला तार का कनेक्शन नेगेटिव में कर दिया, वाइट वाले का हमने पॉजिटिव में कनेक्शन कर दिया है। हमारा DOB का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसको हम चेक करके एक बार, प्लस वाला हमने प्लस में जोड़ दिया बैटरी के, और माइनस वाला तार नॉर्मली क्लोज यानी कि रिले के पिन नंबर चार में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा बल्ब चालू हो जाएगा लाइट आने के बाद, यानी कि चार्जर का करंट जैसे ही रिले में आएगा वैसे ही हमारा बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हमारा बल्ब अभी देखो काम कर रहा है, तो हम इसका एक कनेक्शन हटा लेते हैं जिससे हमारा बल्ब बंद हो जाए, हम इसका एक पॉइंट निकाल देते हैं। इसके बाद अब हम एक जो हमने बल्ब लिया था उसका हमने पॉजिटिव वाला दोनों पॉइंट जो AC से पॉइंट आते हैं दोनों उसके हमने चार्जर में जोड़ दिए हैं। इसके बाद में अब हम एक स्विच यूज करेंगे जिससे कि हमें दिन में लाइट बंद करनी हो तो हम बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्विच में एक जो ब्लैक वायर लगा हुआ है उसको हम बीच वाले में लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा बैटरी का पॉइंट है पॉजिटिव यानी कि सफ़ेद वाला जो वायर है वो हमारा पॉजिटिव है, उस वायर को हम इसके स्विच के किसी भी एक साइड में हम जोड़ देंगे जिससे हमारा स्विच ऑन और ऑफ का काम करेगा। ठीक है, तो हम इस साइड वाले में कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, स्विच कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है जिसमें हमने स्विच लगाया उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी डायोड के नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का भी कनेक्शन कर देते हैं, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। यदि हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब चालू हो जाएगा, और स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। तो एक और पॉइंट रह गया है नेगेटिव वाला, उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बल्ब ऑन और ऑफ करके कि होता है या नहीं होता है। तो बल्ब को हम ऑन करते हैं, देखिए हमारा बल्ब चालू हो गया है। ठीक है, बल्ब को ऑन ऑफ स्विच से कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। इसके बाद अब हम दोनों को चेक कर लेते हैं, थोड़ा AC से टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए हम प्लग लगाते हैं तो हमारा ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, कोई स्विच हम बंद नहीं करेंगे। देखिए हो गया, यदि हम प्लग निकाल देंगे तो हमारा यानी लाइट चली जाने के बाद हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। तो हमारा सर्किट कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम इसको टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम इसका स्विच बंद करके इसको स्विच बंद करने के बाद हम इनमें टैप लगा लेंगे जिसकी वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम प्रॉपरली अच्छी तरह से हम इनमें टैप लगा लेते हैं, रिले में भी लगा देते हैं, जिससे हमारे तार निकले ना और शॉर्ट सर्किट आपस में लड़े ना, यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम इसको भी ग्लू गन से चिपका के बढ़िया से पैक कर लेते हैं। अब हमारा बल्ब बनकर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको पहले जला के देख लेते हैं कि ये कितनी लाइट दे रहा है। देखिए तो हमारा ये बल्ब बहुत उजाला कर रहा है, बहुत ब्राइट है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा यदि आप बनाएंगे तो आपका बहुत ब्राइट उजाला देगा। यदि बैटरी और लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम लगा लेते हैं, जला के लगाएंगे और उसको स्विच ऑन और ऑफ करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑफ हो गया है, लाइट आ रही थी इसलिए।